दिल्ली वॉल पब्लिक स्कूल इंडिया नंबर वन इमर्जिंग स्कूल जहाँ है एकेडमिक्स स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन. एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू 9th. जी ये फ्रेंड्स कॉलोनी रामिंदर के पास वाला इलाका है और यहाँ मेरी श्री पब्लिक स्कूल 10वीं तक मेरी स्कूल है और स्कूल की एक ही दीवार में इन्होंने देसी ठेका खोल दिया जो कि हमने इनका ऑब्जेक्शन उठाया तो मैडम आई उन्होंने कहा आप कलेक्टर को एप्लीकेशन दें और ये हमको तो आबकारी विभाग ने जारी किया तो मैं कह रहा हूँ कि आबकारी विभाग ने जारी कैसे कर दी जब 500 मीटर के दायरे तक स्कूलों के पास में ठेका नहीं खुल सकता है. ये तो एक ही दीवार है ये मेरी स्कूल बोर्ड रहा और ये ठेका रहा पास में आप खुद देख लीजिए और यही हम तो कर रहे हैं कि ना ठेका यहाँ पे नहीं खुलना चाहिए क्योंकि मेरी पिछली बार भी 1-1.5 साल पहले जब खुला था जब यहाँ पे ऑब्जेक्शन हुआ था क्योंकि मेरी गर्ल्स से बड़ी बड़ी 10th की जो बच्चे आती हैं उनसे छेड़खानी हुई थी जब बंद करवाया गया था वापस और वापस आज इन्होंने ना कहा हमारे कोई नए ठेकेदार है कि हमारी 3 नंबर दुकान खुली है और हम यहाँ ठेका खोल के रहेंगे. हमारे को परमिशन है आप कलेक्टर साहब के पास जाके इसको बंद करवा सकते हैं. शिकायत देंगे अभी अभी मैं जाऊँगा कलेक्टर साहब के स्कूल के लेटर पेड पर उनको शिकायत देकर आऊँगा. अभी तो स्थिति कुछ नहीं है कि इन्होंने थोड़ा बहुत माल लाया है दुकान साफ कर रहे हैं बस यहाँ तक ही है. पुलिस वालों ने मना कर दिया कि हमारे थाने में रिपोर्ट मत करिए आप एसपी साहब के और कलेक्टर के पास जाइए वही हमको ऑर्डर देंगे जब हम करेंगे कार्रवाई. विक्रम सिंह राठौर श्री शैक्षणिक संस्थान का सचिव. फिर भी इन्होंने एक ही दीवार होते हुए आज ठेका इन्होंने चालू कर दिया पर हमने इसी का पूछा इनसे दुकान नंबर पूछा तो अब जाके 3 है और अब इन्होंने यहाँ खोला है क्योंकि मेरी 10th तक की बच्चे पिछली बार भी छेड़खानी करी थी इस वजह से कलेक्टर साहब को एप्लीकेशन देकर बंद कराया था. कम से कम 500 मीटर का गवर्नमेंट का नियम है तो इसका मतलब जो आबकारी विभाग ने परमिशन दी वो भी किस आधार पर दी. विक्रम जी कौन अरे तो स्कूल कौन सा ये श्री पब्लिक स्कूल है 10वीं तक स्कूल है. भैया मैं आपको बोल ही नहीं रहा मैं आपको बोल रहा हूँ निवेदन है मेरा मेरा आपसे भी निवेदन था मैंने परसों निवेदन करा था. हाँ जो भी बोलना है आबकारी मैं आबकारी नहीं मैं तो कलेक्टर को सब कुछ बोल रहा हूँ. मैं आपको कुछ बोल ही नहीं रहा तो भैया से बात कर रहा हूँ. हाँ बड़ा काम करो मैं तो भैया से बात कर रहा हूँ. तो एक ही दीवार होते हुए इन्होंने एक क्यों खोला आपने यहाँ ये स्कूल का भैया बोर्ड है ये ठेका से सड़क है ये लोग करें इन मजदूरों को क्या ध्यान है क्या है क्या नहीं. भैया हमने आपको कुछ कहा और पास में रामिंदर भी है रामिंदर जाते हैं लेडीज आती है शाम के टाइम यहाँ पे पूरी ये वाला सामने ये रहा ना पास में. हां बोलिए दरगाह कमेटी की तरफ से इंद्र जी के पे और ये रामिंदर भी है पास में इस वाले के पास. यहां से लेडीज रोज आती है शाम को मिंदर पे सब 300 मीटर की दूरी सब 300 मीटर के अंदर अंदर ही है सारा कौन सा है.